स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में भाई एंट्री हो गई है सचिन की आजी की यानी कि सावित्री आजी की, जो कि गांव से आ गई है सचिन के घर क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आकाश और रिया की शादी हो गई है, वो भी भागकर। भाई आजी तो आकाश के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पर आकाश खुद शादी कर बैठा है। ऐसे में जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है भाई सचिन की आजी घर आ जाती है और जरा देखिए कैसे शुरू हो जाता है यहाँ पर हंगामा। ये देख मैं क्या लाई हूँ, देख तो हो पहले, देख तू क्या लाई हूँ। खरवाश आई तू मेरे लिए, खरवाश ली, खरवाश आ रहे, बहुत बढ़िया। ए इसका सुगंध देख कैसा है, सुगंध देख, सुगंध इसका खरवाश का। हाँ खरवाश का, हाँ एक नंबर आई, एक नंबर आई ना, हाँ हाँ जबरदस्त। अजी कैसी है? हट, क्लास में जा मेरी। मेरी शक्ल देखने के बाद तुझे याद आता है? अजी नाम की कोई औरत है तुम्हें? हाँ? गुस्सा है मेरे से? मेरे बेटे की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कौन से लड़की के साथ भाग के शादी की तूने? बोल। बोलना, रेनू की तरह तेरे भी मुंह में बोन चिपका है, बोल। खर्चा करवाएगा तेरा बाप, पढ़ाई करवाएगा तेरा बाप, पैसा देगा तेरा बाप, खिलाए पिलाएगा सब वो करेगा। बीच में जो भी ड्रामा हुआ, परेश का ऑपरेशन हुआ, उसे हार्ट अटैक वगैरह आया, फिर आकाश ने भाग के शादी की, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे घर वालों ने ये सारी बातें मुझसे छुपाई हैं और मुझे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। और मैं आकाश के लिए रिश्ता ढूंढती हूँ तो उसके लिए मैं साइली को फ़ोन करती हूँ, तो तब क्रॉस चेक करने के बाद साइली से मुझे पता चलता है कि घर में इतने सारे इंसिडेंसेस हो गए हैं। तो जब मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ तो डेफिनेटली कोई भी माँ चैन से नहीं रह सकती, तो उस हड़बड़ाहट में मैं गांव से यहाँ आती हूँ मेरे बेटे के घर, और फिर यहाँ आने के बाद सबका हिसाब किताब करती हूँ। ऐसा है नहीं, वो चीज़ तो यही है कि मुझसे क्यों छुपाया, यही उसका सवाल है घर वालों से। और खाने पीने की चीज़ें तो वो हड़बड़ाहट में निकलती है, तो एक गांव खेड़े की जो भी छोटे मोटे भेंट वस्तुएं होती है वो ही ले आती हूँ मैं, खरवस ले आती हूँ, हम हमारे महाराष्ट्रियन में ज़्यादा पसंद करते हैं उस मिठाई को, तो मैं खरवस लाती हूँ, फिर प्रसाद लाती हूँ, मैं आते से ही उसे थप्पड़ मारती हूँ और उसको बोलती हूँ कि ये तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, कम से कम तूने तो मुझे ये सब बताना चाहिए था। तो मैं बोलती हूँ कि साइली की वजह से मुझे पता चला, तो वो नाराज़ होता है एक्चुअली साइली से और कमरे में निकल जाता है, और खरवस उसका बहुत पसंदीदा स्वीट डिश है, तो मैं बाहर खरवस का डब्बा निकालती हूँ तो वो देख के वो आ जाता है और फिर मान जाता है मतलब। तो अब सचिन की आजी तो यहाँ आ गई है, तो देखना होगा कि आखिर रेणुका के साथ क्या कुछ होता है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।